So, hi, we are at Dynamic Programming Series Day 7, and the problem that we are taking today is DQ, which is an ad -coder problem. So let us read the problem statement. Taro and Jira will play the following game against each other. Initially, they are given a sequence A, A1 till AN until a until A becomes empty, the two players perform the following operations alternatively, starting from Taro. So Taro will begin the game. Remove the element at the beginning or at the end of the a the player earn x points where x is the removed element let capital x and capital y be taro's and zero's total score at the end of the game respectively taro tries to maximize x minus y where zero tries to minimize x minus y assuming that the two players play optimally find the result resulting value of x minus y सो लेटस् अंडरस्टैंड द प्रॉब विद द हेल्प ऑफ द गि एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं कि इफ वी हैव एन एरे ऑफ लेंथ फोर दैट इज टेन एटी नाइनटी थर्टी सो वट तारो विल डू इज तारो विल आदर सेलेक्ट द एलिमेंट फ्राम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डरे और अ लास्ट पार्ट ऑफ द डरे मतलब या तो वो टेन को सेलेक्ट कर सकता है या थर्टी को सिलेक्ट कर सकता है लेटर सपोज तारो ने थर्टी को सिलेक्ट करा सो द रिमेनिंग एरे विल भी टेन एट्टी एंड नाइन्टी अब लेटर सपोज कि जो रिमेनिंग अरे थी उसमें अब जीरो प्ले करेगा तो जीरो ने क्या करा टेन और नाइन्टी में से नाइन्टी को सेलेक्ट करा तो फिर उसके बाद रिमेनिंग अरे क्या बचे टेन एट्टी अब टेन एट्टी में से तारों ने एट्टी को सेलेक्ट करा तो रिमेनिंग क्या बचा टेन एंड फिर लास्ट में जीरो के लिए क्या हो जाएगा ओनली टेन रिमेनिंग हो जाएगा एंड द अरे विल बिकम एम टी सो दीज आर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ समेसन के मतलब पहले उसने तारों ने थर्टी सेलेक्ट करा फिर जीरो के पास क्या था इनिशियली ज़ीरो था फिर जीरो ने नाइन्टी सेलेक्ट करा तारो के पास थर्टी था फिर तारो ने एटी सेलेक्ट करा तो टोटल सम क्या बन गया उसका हंड्रेड एंड टेन एंड फिर लास्ट में जीरो ने टेन सेलेक्ट करा तो उसका टोटल सम so, क्या बन गया दैट इज़ हंड्रेड सो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा एक्स माइनस वाई का दैट विल बी टेन सो हमें क्या करना है अगर दोनों प्लेयर्स ऑप्टिमली खेलते हैं तो हमें इस डिफरेंस को दैट इज़ हंड्रेड एंड टेन माइनस हंड्रेड जो डिफरेंस लास्ट में हमारे पास आ रहा है उसको हमें प्रिंट करना है कि अगर दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेलते हैं तो वो डिफरेंस क्या हो सकता है सो लेट अस ट्राई टू बिल्ड द थॉट प्रोसेस ऑफ द प्रॉब्लम अब जो प्रॉब्लम है उसका थॉट प्रोसेस देखते हैं हम क्या हो सकता है कि लेट अस सपोज हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है गिवन अरे के अंदर दैट इज़ टेन सो तारो क्या करेगा वो फर्स्ट एलिमेंट ले लेगा टेन और जीरो के लिए कुछ नहीं बचेगा सो so उसका आंसर क्या होगा हमेशा दैट एलिमेंट जो भी एलिमेंट है अरे का उस वो ही उसका आंसर होगा एंड इफ वी हैव एन इक्वल्स टू टू मतलब अगर हमारे पास एन की वैल्यू टू है दो एलिमेंट है कोई तो तारो क्या करेगा 10 लेगा कि 20 लेगा ऑब्वियसली वो ऑप्टिमली प्ले कर रहा है तो वो क्या करेगा मैक्सिमम लेने के लिए सोचेगा क्योंकि उसको तो क्या चाहिए x माइनस वाई का डिफरेंस जो चाहिए वो बड़ा चाहिए जितना बड़ा हो सके और जीरो को क्या चाहिए y माइनस एक्स का डिफरेंस बड़ा चाहिए तो वो ऑप्टिमली खेलेंगे दोनों तो तारो अगर पहले चल रहा है तो वो क्या लेगा ट्वेंटी लेगा इंस्टेड ऑफ टेन सो अगर तारो टेन लेता है तो डिफरेंस क्या रहता है दैट इज़ माइनस टेन और अगर ट्वेंटी लेता है तो डिफरेंस क्या रहता है पॉजिटिव दैट इज टेन सो ऑब्वियसली वो ऑप्टिमली चूज करने के लिए ट्वेंटी को सिलेक्ट करेगा सो दिस इज द केस फॉर एन इक्वल्स टू टू सो इन द प्रोसेस ऑफ डायनेमिक प्रोग्राम अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द प्रॉब्लम फॉर सिंपलर केसेस लाइक अगर हमारे पास एन इन टू एन इक्वल्स टू टेन के लिए गिवन केस है प्रॉब्लम के अंदर या एन इक्वल टू फाइव के लिए है तो हम क्या करते हैं अप्रोच में कि पहले उसको स्मॉल टेस्ट केसेस के लिए करके देखते हैं कि छोटे टेस्ट केसेस पे क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है सिमिलरली हम इस प्रॉब्लम में भी ये देखें कि हमने एन इक्वल्स टू वन के लिए देखा कि क्या कंडीशन बन रही हैं फिर हमने एन इक्वल्स टू टू के लिए देखा कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कैसे रिजॉल्व हो रहा है एन इक्ल्स टू टू के लिए कि जो दो प्लेयर्स है वो ऑप्टिमली क्या क्या सोच सकते हैं तो हमें डायनमिक प्रोग्रामिंग के केसेस में ऐसे ही प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए अब हम क्या करते हैं एन इक्ल्स टू थ्री के लिए प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास ये गिवन अर है टेन फिफ्टी नाइन थर्टी की तो वॉट विल जीरो विल चूज़ अगर हमारे पास जो है ये गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर हमारे पास ये टेन वो चूज़ करता है तो रिमेनिंग पार्ट में क्या बचेगा दैट इज़ 15 और 30 सो so, तारों ने क्या कर लिया 10 चूज़ कर लिया पहले इनिशियल केस में तो रिमेनिंग पार्ट में बचा 50 एंड 30 सो फॉर जीरो द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू टू एलिमेंट्स एंड फॉर एन इक्वल्स टू टू तारो विल डेफिनेटली चूज द मैक्स ऑफ फिफ्टीन कॉमा थर्टी सो बेसिकली वॉट हैपन्स इज़ कि अब जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है अगर तारो ने ये चूज़ कर लिया है तो जो जीरो है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया तारों की जगह यहाँ पे जीरो आएगा सो जीरो विल वट जीरो विल चूज इज द मैक्सिमम ऑफ दिस क्योंकि तारो ने टेन चूज करा है तो जीरो ऑब्वियसली क्या करेगा इन दोनों में से जो होगा उसका मैक्सिमम चूज करेगा तो जीरो विल चूज थर्टी नाउ फॉर तारो द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू ओनली सिंगल एलिमेंट अब जो तारो है उसके लिए क्या हो गया प्रॉब्लम एक सिंगल एलिमेंट पर रिड्यूस हो गया है दैट इज फिफ्टीन इज ओनली लेफ्ट इन द गिवन एरिया सो तारो विल टेक फिफ्टीन एंड द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज फॉर तारो विल बिकम दैट इज ट्वेंटी फाइव एंड जीरो विल हैव थर्टी सो एक्स माइनस वाई का मैगजिम वाइज कुछ निकला नहीं माइनस फाइव रिजल्ट निकला फॉर तारो एंड जीरो विल हैव फाइव रिजल्ट दैट इज वाई माइनस एक्स विल बी फाइव अब हम सपोज करते हैं कि तारो ने चूज करा होता थर्टी अर्लियर केस में अगर तारो ने थर्टी चूज करा होता तो जीरो के लिए रिमेनिंग क्या होता मैक्सिमम ऑफ दिस टू वो ऑब्वियसली ऑप्टिमल प्रे कर रहे हैं तो इस दोनों इन दोनों का मैक्सिमम चूज करता दैट इज फिफ्टीन एंड नाउ तारो विल वॉज लेफ्ट विथ ओनली वन एलिमेंट डेट इज़ टेन सो तारो क्या करता लास्ट में टेन चूज करता सो so, इस बार तारो का जो सम होता वो क्या होता फोर्टी एंड जीरो वॉज लेफ्ट विथ फिफ्टीन सो द टोटल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई विल बिकम वॉट ट्वेंटी फाइव सो इन दिस केस एक्स माइनस वाई वैल्यू इज ट्वेंटी फाइव अर्लियर इट वॉज माइनस फाइव सो दिस इज द ऑप्टीमल वे जो तारों सेलेक्ट कर सकता है इनिशियली स्टार्ट लेने के लिए कि क्या कि मैक्सिमम वैल्यू इनिशियली में चूज करे वो इन दोनों की दैट इज थर्टी और उसके बाद वो ऑप्टिमली प्ले करे बट हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो प्ले कर सकता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक मिनिमम वैल्यू चूज करने के बाद जो अदर वैल्यू प्रोड्यूस हो रही हो वो मैक्सिमम हो सकती हो सो दैट इज़ वाई वी आर अप्लाइंग डायनामिक प्रोग्रामिंग इन दिस अप्रोच और नॉट अपलाइंग ग्रीडी इन दिस अप्रोच सो फ्रॉम ऑल द एग्जाम्पल्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दट अ प्लेयर हैज़ अ चॉइस टू सेलेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगनिंग और द लास्ट द चॉइस विल डिपेंड ऑन वॉट द अदर प्लेयर विल स्कोर फ्रॉम द रिमेनिंग सबर सो so बेसिकली अगर प्लेयर फर्स्ट चूज़ करता है कि मतलब मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो बाकी जो बची रिमेनिंग अरे है वो कैसे ऑप्टिमली चलती है उसकी वैल्यू जो होगी वो डिसाइड करेगी कि क्या गेम फर्स्ट अरे से फर्स्ट अरे को सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करने से बनता है या लास्ट पॉइंट को सेलेक्ट करने से बनता है सो so, ही विल ऑब्वियसली मेक अ मूव वेर इज गेटिंग द मैक्स ऑफ हिस्स स्कोर माइनज अपोनेंट स्कोर मतलब जो भी उसका प्रेजेंट स्कोर होगा माइनस जो उसका अपोनेंट का स्कोर होगा उसको मैक्जिमाइज करने के लिए वो वैसे ही मूव चलेगा सो so, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं रिकर्सिवली ट्राइंग टू गेट ऑल द आंसर्स ऑफ द दरे एंड विच विल हैव द एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आप रिकर्जन के थ्रू अप्लाई करो बट यू कैन अप्लाई डायनामिक प्रोग्रामिंग बाय पासिंग द डी पी आर एन द रिकर्जन प्रोसेस एंड यू कैन अप्लाई द रिकर्सिव कॉल्स और यू विल ट्राई ऑन योर ओन कि मैं रिकर्सिव कॉल कैसे अप्लाई कर सकता हूँ उसमें डी पी आर पास कर सकता हूँ एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा रिकर्सिव अप्रोच को मैं यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच के थ्रू समझाऊंगा एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव अ रिकर्सिव अप्रोच आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द

का मैक्सिम मतलब वैल्यू निकालनी है कि उसका ऑप्टिमल रिजल्ट क्या होगा तो प्लेयर के पास क्या है दो चॉइसेस हैं फर्स्ट क्या कर सकता है वो एक पर्टिकुलर अरे ऑफ आई के लिए क्या हो सकता है रिजल्ट क्या हो सकता है दैट विल बी अरे ऑफ आई अगर वो फर्स्ट एलिमेंट को चूज करता है तो क्या होगा अरे ऑफ आई माइनस जो आंसर है ऑफ अरे ऑफ आई प्लस वन आई प्लस वन से जे तक का जो आंसर है वो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किस में से फर्स्ट वाली वैल्यू में से अगर वो फर्स्ट वाली वैल्यू चूज़ करता है और अगर वो लास्ट वाली वैल्यू चूज करता है आरे ऑफ आई कॉमा जे में से सो उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो वैल्यू होगी माइनस जो रिमेनिंग सब अरे बचती है आई आई से लेके जे माइनस वन तक की उसका जो आंसर है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वैल्यू में से सो सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है यहाँ पे कि लेट अस सपोज कि उसने फर्स्ट वैल्यू चूज करी अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका जो आंसर आएगा वही उससे सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि हमें क्या प्रोड्यूस करना है एक्स माइनस वाई x माइनस वाई की वैल्यू प्रोड्यूस करनी है तो लेटर सपोज उसने फर्स्ट वैल्यू चूज करी और जो रिमेनिंग अरे है उससे वो आंसर के लिए उसने बोल दिया कि भाई अब तुम इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर अगर दोनों ऑप्टिमली प्ले करते हैं उस पर्टिकुलर सब अरे में तो उसका आंसर क्या होगा मुझे तो पता है नहीं है मुझे तो अपनी बस मैंने फर्स्ट वैल्यू चूज करी यही पता है तो अब हमने फर्स्ट वैल्यू चूज कर ली उस अरे में से जो भी ऑप्टिमल रिजल्ट का सम प्रोड्यूस करके आया वो हम किससे सबट्रैक्ट कर देंगे जो वैल्यू उसने चूज करी है उसमें से तो दैट विल प्रोड्यूस द ऑप्टिमल रिजल्ट सिमिलरली अगर वो नहीं चूज करता लास्ट वाली वैल्यू चूज करता है तो लास्ट वाली वैल्यू में से हम क्या करेंगे जो फर्स्ट सब अरे बन रही है बची हुई सब आ, सब अरे उसका आंसर वो पूछेगा कि भाई तुम बता दो इसका ऑप्टिमल रिजल्ट क्या आएगा जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं अपनी जो चूज करी वैल्यू है लास्ट वैल्यू उसमें से उसको सब्टैक्ट कर दूंगा एंड दैट विल प्रोड्यूस द गिवन ऑप्टिमल रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सबरे सो ये दो रिकर्सिव कॉल्स हम अप्लाई कर रहे हैं एक बार आप एनालाइज करके देखिएगा इस रिकर्सिव कॉल को और इसकी अप्रोच बना के ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार सो so, हम क्या करेंगे इसको जो ये दो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे डी पी अरे में स्टोर करेंगे विल रिट्रीव दिस वैल्यूज फ्रॉम अ डी पी अरे तो लेट सी हाउ वी कैन डू दैट सो डी पी ऑफ आई कॉमा जे पर्टिकुलरली एक आई कॉमा जे की क्या वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ अरे ऑफ आई माइनस डी पी ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे एंड अरे ऑफ जे माइनस डी पी ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन सो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं और उसको हम पर्टिकुलरली जो वैल्यू उसने चूज करी है उसको सब्ट्रैक्ट करके हम देखेंगे दोनों में से किसका मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिसका भी मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम डी पी ऑफ आई कॉमा जे में प्रोड्यू उसमें हम पुट कर देंगे दैट विल बी अ बॉटम अप अप्रोच ऑफ फिलिंग द डी पी सो एक बार इसको कोड को देखते हैं कोड में जो मैंने एक्सप्लेन करी है प्रीवियसली अभी अप्रोच वो ही एक्जैक्टली exactly चल रही है हमने यहाँ पे एक डी पी अरे बनाया दैट इज़ अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स हमारे पास एक इनपुट में अरे आ रही है सो so, हमने क्या करा कि जो उसके डायगनल एलिमेंट्स हैं उसमें हमने क्या करा क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट के लिए ही अप्रोच करेंगे डायगनल एलिमेंट्स क्या करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर सब अरे के लिए एक वो सिंगल एलिमेंट ही होगा तो उसको हमने सिंपल जो अरे ऑफ आई आ रही है उसमें उस वो सारी वैल्यूज उसमें आप पुट कर दी अब हम क्या कर रहे हैं दो लूप्स लगा रहे हैं इसमें हम क्या चूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो अरे ऑफ आई है माइनस डी पी ऑफ आई प्लस वन और आई प्लस डी यहाँ पर डी क्या डिनोट कर रहा है डी इज़ द आउटर लूप आउटर लूप की जो वैल्यू है वो सो so, हमने एग्जैक्टली exactly जो फार्मूला हमने अभी स्टडी करा था यहाँ पे वो सेम का सेम फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करा है एंड द रिजल्ट वी आर गेटिंग इज वी आर स्टोरिंग इन द पर्टिकुलर डी पी आर एंड एट लास्ट वॉट वी विल डू इज़ विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ द डी पी आर ए अब इस कोड को अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है सो डो नॉट वरी आई एल एक्सप्लेन द कोड विद द हेल्प ऑफ फर एग्जाम्पल सो लेटर सी हाउ दिस कोड इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल लेटर सपोज हमारे पास एन इक्वल्स टू फोर है एंड दिस इज द पर्टिकुलर अरे दैट वी आर गेटिंग सो हम इसका मैक्सिमम जो रिजल्ट ऑप्टिमल रिजल्ट है अगर दोनों प्लेयर्स खेलते हैं तो वो प्रोड्यूस करना है सो लेटर्स सी हाउ वी कैन डू दैट सो हमने डी पी बना लिया ऑफ लेंथ फोर क्रॉस फोर सो हमने डी पी कंस्ट्रक्ट कर लिए सिमिलरली यहाँ तक हमारा जो है वो पार्ट हो चुका है हमने एक डी पी ए कंस्ट्रक्ट कर लिए अब क्या करा है मैंने जो उसका डायगनल है उस पर क्या करा है? मैंने जो जो भी वैल्यूज है वो पुट कर दिए अब डायगनल पे क्यों वैल्यूज़ पुट करी है मैंने अब आप देखिए जीरो कॉमस जीरो अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की सब एर पे चल रहा हूँ तो जीरो कॉमस जीरो की वैल्यू हुई है तो जीरो कॉमस जीरो का आंसर क्या होगा मैंने अब इनिशियली बताया था कि अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो उसका आंसर क्या होगा दैट विल प्रोड्यूस ओनली अ सिंगल एलिमेंट रिजल्ट तो उसका आंसर क्या होगा टेन ऐसे वन कामा वन में क्या आंसर होगा एट्टी टू कॉमा टू में क्या आंसर होगा नाइन्टी थ्री कामा थ्री में क्या आंसर होगा थर्टी सो सिंगल एलिमेंट के लिए क्या आंसर होगा दैट विल बी द एलिमेंट दैट वी आर टेकिंग ना वो हम क्या कर रहे हैं जीरो से वन अरे के लिए काम कर रहे हैं कि भाई जो जीरो है मतलब जीरो अरे ऑफ जीरो पे का रखा है टेन और अरे ऑफ वन पे का रखा है एट्टी तो इन दोनों का ऑप्टिमल रिजल्ट क्या होगा तो मैंने बताया था एन इक्वल्स टू टू के लिए क्या होगा कि मैक्सिमम क्या चूज करता है इसमें से मतलब तारो जो है वो मैक्सिमम वैल्यू चूज करेगा और रिमेनिंग वैल्यू जीरो चूज करेगा तो अब इसको हम फिल कैसे करें इसमें फिल कैसे कर सकते हैं इसको इसमें हम देखेंगे कि अगर तारो जो है वो टेन चूज़ करता है टेन चूज़ करता है तो जीरो क्या चूज़ करेगा एट्टी तो टेन माइनस एट्टी क्या हो जाएगा माइनस सेवेंटी लेकिन अगर तारो एट्टी चूज़ करता है तो जीरो क्या चूज़ करेगा टेन तो एट्टी माइनस टेन क्या हो जाएगा सेवेंटी तो मैक्सिमम क्या हुआ इसका टेन माइनस एट्टी माइनस सेवेंटी और एट्टी माइनस टेन सेवेंटी तो मैक्सिमम क्या हुआ सेवेंटी तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे एट्टी और नाइन्टी के लिए तो एट्टी और नाइन्टी के लिए अगर तारो एट्टी चूज़ करता है तो जीरो नाइन्टी चूज़ करेगा तो उससे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा माइनस टेन और अगर तारो नाइन्टी चूज़ करता है और जीरो एट्टी चूज़ करेगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा टेन तो माइनस टेन को टेन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा टेन तो वो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइन्टी और थर्टी के लिए सिक्सटी सो लेंथ टू के लिए भी हमारा ये यहाँ पे फिल हो चुका है इस तरीके से हम डी फिल कर रहे हैं अब लेंथ थ्री के लिए चूज़ करेंगे हम अब लेंथ थ्री के लिए रिकर्सिव फार्मूला क्या अपनाएंगे हम कि अगर तारो जो है वो टेन चूज़ करता है तो इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्ट क्या था वो हमारे पास स्टोर था पहले दैट इज दिसन मतलब वन से लेकर टू तक के लिए वन से लेकर टू तक के लिए रिजल्ट कहाँ पे स्टोर था हमारे पास यहाँ पे इस पार्ट में दैट इज फ्रॉम वन टू टू वन टू टू का रिजल्ट कहाँ है हमारे पास यहाँ पे सो so, अगर वो टेन चूज करता है तो वन टू टू का रिजल्ट क्या था हमारे पास दैट इज टेन तो टेन माइनस टेन विल प्रोड्यूस जीरो सो अगर वो 90 चूज़ करता है तो 10 से लेके 80 तक का मैक्सिमम रिजल्ट क्या था हमारे पास दैट इज़ 70 यो हमने कहाँ पे स्टोर कर रखा था जीरो से लेके वन तक के लिए तो जीरो से लेके वन तक के लिए यहाँ पे स्टोर था सो सेवेंटी सो नाइन्टी माइनस सेवेंटी विल प्रोड्यूस ट्वेंटी सो मैक्सिमम ऑफ जीरो कोमा ट्वेंटी विल प्रोड्यूस ट्वेंटी सो यहाँ पे हम ट्वेंटी फिल कर देंगे सो दिस इज़ हाउ वी आर फिलिंग अप द डी अब नेक्स्ट इसको कंसिडर कर लेते हैं अगर वो 80 चूज़ करता है तो 90 से लेके 30 तक का रिजल्ट क्या है दैट इज़ फ्रॉम 2 टू 3 2 टू 3 का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर है अरे ऑफ 2 कॉमा थ्री पे सो so, ये क्या होगा 60 सो एट्टी माइनस सिक्सटी विल बिकम 20 सो so, इसका आंसर क्या है 20 और अगर वो 30 चूज़ करता है तो 80 से 90 का मैक्सिमम रिजल्ट क्या था 10 सो थर्टी माइनस टेन विल बी ट्वेंटी सो आंसर ऑफ दिस विल बिकम वॉट 20. सो मैक्सिमम ऑफ 20 कामा ट्वेंटी विल बी बिकम 20. सो so, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20. अब हम लास्ट पार्ट के लिए देखते हैं हमने यहाँ तक की डीपी फिल कर ली है अगर वो टेन चूज करता है सो यहाँ से लेके कर यहाँ तक का मैक्सिमम रिज़ल्ट अरे ऑफ वन कॉमा थ्री में स्टोर होगा सो वो क्या है दैट इज ट्वेंटी सो टेन माइनस ट्वेंटी विल प्रोड्यूस माइनस टेन सिमिलरली अगर वो ये चूज करता है थर्टी सो so इसका रिज़ल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होगा अरे ऑफ जीरो कॉमा टू में दैट इज़ ट्वेंटी सो थर्टी माइनस ट्वेंटी विल बिकम टेन सो आंसर ऑफ मैक्स ऑफ टेन का माइनस टेन विल बी टेन सो द टोटल रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब दिस पर्टिकुलर अरे विल बी टेन सो दिस इज हाउ वी आर फिलिंग अप द डी पी ए इन अ बॉटम अप्रोच मैनर सो इट वॉज अ न्यू क्वेश्चन एंड यू कैन ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट द प्रॉब्लम विदर्सिव अप्रोच एक बार रिकर्सिव अप्रोच से भी प्रॉब्लम को सोल्व करके देखिएगा और अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो उसको आप एक बार रेफर कर लीजिएगा सो दैट इज ऑल फॉर डे सेवन कंसेप्ट देट वी हैव लर्न टुडे इज गेम थ्योरी कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में गेम थ्योरी कि कैसे कोई प्लेयर चूज कर सकता है ऑप्टीमल कैसे सलेक्ट uh, कर सकता है कौन सी चांसेस हो सकती हैं वो हमने देखा सेकेंडली हमने देखा कि ऑप्टीमल सबस्ट्रक्चर को मेमोआइजेशन मतलब एक मेमोरी में हम ऑप्टीमल सबस्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हैं सो दीज आर द पॉइंट्स डैट वी हैव लर्न टुडे And if you have any doubts regarding this, you can always comment and I'll definitely give you a reply. Or you can send us your doubts at an email that we have provided in the description or the links that we have provided you in the description. And at last, I would like to say that please subscribe, like, and share my channel. Thank you so much.